हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं। वेल, हम पढ़ रहे थे एक्सक्यूज मी प्लीज वाला चैप्टर, है ना? चैप्टर नंबर 3 एक्सक्यूज मी प्लीज हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सारी स्टोरी हमको अच्छी तरह से पता है और बैक एक्सरसाइज भी हमने एक पेज तो कंप्लीट कर ही लिया था। अब बारी आती है इस पेज की, पेज नंबर 29। ओके, यह है पेज नंबर 29 और इसकी पहली एक्सरसाइज वर्ड पावर करने वाले हैं हम, ठीक है? तो देखते हैं कि इसमें करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? मैच द वर्ड्स, शब्दों को मैच करना, मैच करना मीन्स मिलाना, ठीक है? विद, साथ में, देयर अपोजिट्स, अपोजिट्स मीन्स उल्टा पुल्टा, देयर मीन्स उनके, तो जो शब्द हैं शब्दों को उनके उल्टे पुल्टे शब्दों के साथ मिलाना है। अब उल्टे पुल्टे शब्दों को हम तो कॉमन लैंग्वेज में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड है हिंदी में विलोम या विरोधाभासी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई करना क्या है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमको उनके उल्टे पुल्टे के साथ मैच करना है। सबसे पहले है हमारे पास सैड। सैड का अपोजिट, सैड मीन्स क्या होता है? दुखी। जब अपन बहुत दुखी हो जाते हैं उसको कहते हैं हम सैड हैं, सैड मीन्स दुखी। तो इसका अपोजिट क्या होगा या इसका उल्टा क्या होगा? खुश। क्या होगा इसका उल्टा? खुश। देखो यहाँ पर सैड का अपोजिट खुश, यहाँ पर लिखा भी है। राइट द वर्ड्स ऑन द गिवन लाइन्स, हमको यहाँ पर जो लाइन्स दी है ना वहाँ पर हमको ये वर्ड्स लिखना भी है। पहले हमको ऐसे मैच करना है, देखो सैड को हैप्पी के साथ मैच किया है, वैसे ही यहाँ पर सैड को हैप्पी के साथ लिखा भी है, तो हमको यही करना है। सैड मीन्स दुखी और इसको मैच किया हैप्पी के साथ, हैप्पी मीन्स खुश। अब हमारा अगला वर्ड है HOT, हॉट। हॉट मीन्स गर्म, HOT, हॉट। अब हॉट का अपोजिट क्या होता है? अब गर्म का अपोजिट तो ठंडा होता है ना, तो ठंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कोल्ड। तो देखो यहाँ पर कोल्ड कहाँ लिखा है? ये तो बैड है, ये अगली है, ये है कोल्ड, तो हम मैच करेंगे हॉट को कोल्ड के साथ, ठीक है? और साथ ही हम यहाँ पर लिखेंगे भी, ये है HOT, हॉट। यहाँ पर एक लाइन खींची और इसको हम मैच करेंगे, अपोजिट वर्ड इज कोल्ड, COLD, ये हो गया कोल्ड। नाउ अगला वर्ड है वॉइस। क्या है? वॉइस। वॉइस मतलब बुद्धिमान, जिस पर जिसकी बहुत अच्छी विजडम है, जिसके पास विजडम है। विजडम तो खैर सभी के पास होती है, लेकिन विजडम वाले बच्चों को वॉइस कहते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। सब अलग अलग तरह की विजडम होती है। अब बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा? जिसके पास बुद्धि नहीं हो, या फिर जो कम बुद्धिमान हो, है ना? अब देखो, सोचो उसको क्या बोलते हैं। एक बच्चा जो वाइस है, या एक इंसान जो वाइस है, WISE, उसका अपोजिट होगा बुद्धू। और बुद्धू को क्या बोलते हैं हम? स्टूपिड। ये वर्ड सुना है कभी? स्टूपिड, यस। तो अब हम ढूंढते हैं स्टूपिड। अब सबसे पहले तो हमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये जो स्टूपिड वर्ड है ना, ये S से शुरू होगा, स्टू, STU, स्टूपिड, PID। देखो यहाँ पर अभी तक एक भी S वाला वर्ड नहीं आया, सीधे कहाँ आया? आखिरी में, STU, स्टू, PID, पिड, स्टूपिड। जब हम इस तरह से वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे तो हमको वर्ड्स पढ़ते भी बनेगा और स्पेलिंग भी बनाते बनेगी, ठीक है?
ये है स्टूपिड, तो हम लिख देते हैं स्टूपिड STUPID, ये हो गया स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड इज गुड, GOOD, गुड। गुड मीन्स अच्छा, और अच्छे का उल्टा क्या होता है? बुरा, राइट? तो गुड का अपोजिट क्या है? बैड। सबसे पहला वर्ड हमको मिल गया, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे और यहाँ पर हम लिख भी देंगे GOOD, गुड, और इसका अपोजिट है BAD, बैड। गुड, बैड। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन, क्लीन मतलब साफ या साफ सुथरा। अब क्लीन का अपोजिट या साफ का उल्टा क्या होगा? गंदा। तो गंदे को क्या बोलते हैं? गंदे को हम बोलते हैं डर्टी। देखो यहाँ पे डर्टी जैसा कोई डी से कोई वर्ड है क्या? डी से ये वर्ड शुरू हो रहा है डर्टी, DIRTY, डर्टी। तो हम यहाँ पर डर्टी के साथ इसको मैच कर देते हैं। क्लीन मतलब साफ और डर्टी मीन्स गंदा। CLEAN, क्लीन, DIRTY, डर्टी। ओके, अभी हो गया क्लीन और डर्टी। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वाइट। वाइट मतलब सफ़ेद, और सफ़ेद का उल्टा काला, और काले को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक। तो सबसे पहले तो बी से ब्लैक ढूंढना पड़ेगा, ब्ल, BL, ब्ल, ACK, ब्लैक, वाइट, ब्लैक। ये है वाइट और ये है ब्लैक, BLACK, WHITE, वाइट, BLACK, ब्लैक। अगला वर्ड क्या है? स्वीट, S से शुरू हुआ है, स से, स्वीट, इसको हम पढ़ेंगे स्वीट। अब स्वीट दैट मीन्स मीठा। स्वीट्स खाते हैं हम लोग, चॉकलेट्स या मिठाइयाँ, ये सब कैसी होती हैं? स्वीट होती हैं, राइट? स्वीट का अपोजिट होता है बिटर, मीठा का अपोजिट कड़वा, है ना? मीठा मीठा तो सबको पसंद है, पर क्या पसंद नहीं है हमको? कड़वा। तो कड़वे को इंग्लिश में कहते हैं बिटर, बिटर। यहाँ पे पहले चेक करेंगे हम बी से शुरू होने वाला वर्ड, बिटर, बिटर। ओके, बिटर, ये हो गया स्वीट और ये हो गया बिटर। तो लिख लेते हैं SWEET, स्वीट, बिटर, BITTER, बिटर। ओके, अगला है लवली। लवली, लवली मीन्स सुंदर। लवली मीन्स होता है सुंदर, और जो चीज़ सुंदर नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, या फिर उसका लवली का अपोजिट क्या होगा? बदसूरत, अच्छा नहीं दिख रहा है। बदसूरत को इंग्लिश में बोलते हैं अगली। क्या बोलते हैं? अगली। तो अब हम ऐसा वर्ड ढूंढेंगे जिसको पढ़ने से हमको अगली वाली फीलिंग आए, मतलब फीलिंग नहीं, हमको पता चले कि अगली कहाँ लिखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सारे वर्ड्स हो गए हैं, सिर्फ एक वर्ड बाकी है, है ना? तो हम इसको पढ़ के देखते हैं। ये है UGLY, अगली, अगली, और ये हुआ अगली के साथ मैच। लेट्स राइट LO, LOBELY, अगली, और इसका अपोजिट है UGLY, सॉरी LOVELY, लवली, एंड UGLY, अगली। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स जिसको हमने सीखा। आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यू हैव 6 वर्ड्स इन द बॉक्स। आपके पास डब्बे में 6 वर्ड्स हैं। यू हैव मतलब आपके पास हैं, इन द बॉक्स डब्बे में 6 वर्ड्स, 6 शब्द,
ईच वर्ड इज ब्रोकन इंटू टू पार्ट्स. ईच वर्ड मीन्स हर एक शब्द ब्रोकन है, टूटा हुआ है, इंटू टू पार्ट्स, दो भागों में टूटा हुआ है. कैन यू फाइंड द वर्ड्स, क्या आप वर्ड्स ढूंढ सकते हैं. फाइंड मीन्स ढूंढना. क्या आप वर्ड्स ढूंढ सकते हैं. ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन. ये जो वर्ड्स हैं, टूटे हुए वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड्स लेसन से हैं. ऑल मीन्स सारे, सारे वर्ड्स. ऑल द वर्ड्स, सारे शब्द फ्रॉम द लेसन, लेसन से हैं. ओके अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए हमको वर्ड्स की स्पेलिंग आना ज़रूरी है. इसीलिए लेसन को पढ़ाने के बाद या चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम आपसे हार्ड वर्ड्स को लिखने के लिए कहते हैं और उसकी स्पेलिंग को लर्न करने के लिए कहते हैं, जिससे हम कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकें. सबसे पहले देखो ये वाला जो वर्ड है वो किसके साथ मैच्ड है. यहाँ पर मैच्ड है GARDEN, गार डन. मैंने अभी आपको सिखाया ना कि हम स्पेलिंग कैसे करके लर्न कर सकते हैं. सो ये है गार डन, ये हो गया गार्डन. अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है HE वाला. अब HE किससे जुड़ा हुआ है, किसके जैसे लगता है, वो हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, HE इसके साथ जाएगा क्या. हिचन, हाँ हिचन तो नहीं होगा. तो हिचन वाला कैसा वर्ड है, कोई ऐसा वर्ड है जो जिसमें चेन सुनाई देता है. याद है वो वर्ड है किचन, याद है ना. अब किचन शुरू होता है के से, राइट. तो के वाला वर्ड ढूंढो कहाँ है, ये है KITCHEN, किचन. ये मैच हो गया, हम ढूंढ ये रहे थे और मिल हमको कुछ और गया, है ना. ओके सो ये हो गया किचन. अब देखते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमको मैच करते हैं. देखो यहाँ पर हमको उनको लिखना भी है, तो गार्डन तो लिखा हुआ है, अब हम जल्दी से किचन लिख देते हैं KITCHEN, किचन. ओके नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे SH है, SH के बाद MON के साथ शमोन, ये तो नहीं मैच होता. SHCH ये भी मैच नहीं होता. SHOP क्या ये मैच होता है, क्या ये कोई वर्ड बनता है. SHOP हाँ ये एक वर्ड है, शॉप. ये लिखा हमने शॉप. ओके SHOP शॉप. अगला वर्ड हम लिखेंगे शॉप, SHOP शॉप. ये भी हो गया अभी, लेकिन हमको अभी भी HE वाला वर्ड नहीं मिला ना. ढूंढते हैं, देखो HE के बाद CH कोई वर्ड नहीं बनता, HE के बाद MON कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन MON के बाद मंकी बनता है, MONKEY. ये हो गया मंकी, MONKEY मंकी. ओके अगला देखते हैं, अब क्या बाकी है हमारे पास. ये है, ये है, ये है और ये है. हाँ बाकी सब मैच हो गए. HE को CH के साथ ऐड करेंगे तो कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा. HEAD कुछ बनता है क्या, सोचो सोचो. HEAD यस, HEAD हेड, HEAD हेड. हेड मीन्स सिर, है ना. ये बनता है एक वर्ड. अब क्या बचा हमारे पास, CHICK क्या ये एक वर्ड है. हाँ ये एक वर्ड है, CHICKS चिक्स. चिक्स मीन्स चूजे, है ना, हमने पढ़ा है ना चैप्टर में, लेसन में. तो हमको इतने सारे वर्ड्स मिल गए, गार्डन, किचन, शॉप, मंकी, हेड और चिक्स. ये वर्ड्स की स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए. सो बेबीज ये एक्सरसाइज भी आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे. ओके माय मेरे प्यारे 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 बच्चों, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करके चैप्टर को फिर से देखना है, पढ़ना है और रीडिंग करते रहना है, स्पेलिंग को लर्न करते रहना है. ओके मेरे बच्चों, बाय बाय, कीप लर्निंग.